हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बकला सिंह में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि जितने भी अग्निवीर एक्सपीरियंस हैं उनका जो शुरुआत में जून से जो है जिनका फिजिकल शेड्यूल है उनका सबका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दो तरीके से देखेंगे, है ना, दो जगहों से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, आप सामान्यतः ये होम पेज पे आ जाएंगे कैप्चा वप्चा डाल करके, है ना। और उसके बाद ये देखिए अग्निपथ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अग्निपथ पर। ठीक है, अग्निपथ पर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर आपको अब देखिए शुरू से हो गया है, यानी कि ये आपको कैप्चा डालना है। ठीक, MU4334। ठीक है, MU4334 और इस पे आपको एंटर कर देना है। ठीक, अब देखिए इस तरीके से आपका खुल जाएगा पूरा, है ना। और इसमें अग्निपथ पे यहाँ पे क्लिक करिए और अग्निपथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लॉगिन करना होगा। ठीक, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना रोल नंबर से लॉगिन करके फिर इसको न्यू टैब में, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको न्यू टैब में कर देंगे, जिससे क्या है पूरा दिखेगा आपको, है ना। तो लॉगिन इन अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। हालांकि सभी का जो है मेल आने लगा है। दूसरा तरीका यह है कि आप सरकारी रिजल्ट से भी जाके कर सकते हैं। देखिए मैं सरकारी रिजल्ट पे, ये सरकारी रिजल्ट है, सरकारी रिजल्ट से भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाके अग्निवीर रैली में जो है वहाँ पे रिजल्ट वाला जो विकल्प दे रहा है वहाँ से जाके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड सर्वर 1 सर्वर 2 शुरू हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेल आना शुरू हो गया है ना, जिनका अभी शुरुआत में है उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है, धीरे धीरे बाकी सबका आना शुरू हो जाएगा, तो फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं मैडम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।